बैरिकेडिंग के अंदर का जितना परिसर है उसका एक इंच भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना कोई ऐसी बात चीफ मिनिस्टर ने कही है ना इंडिकेट की है, पहली बात। दूसरी बात, लीगली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है देवता की संपत्ति के साथ और रिप्रेजेंटेटिव सूट में। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं कुमार अभिषेक। इस वक्त वाराणसी को लेकर एक चर्चा चल रही है और वाराणसी में बात ये कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष बातचीत के टेबल पर आना चाहते। दरअसल ये चर्चा तब निकली है जब जितेंद्र सिंह बिशेन, जो कि राखी सिंह के तरफ से वकील हैं और राखी सिंह इसमें वादी हैं, उन्होंने मुस्लिम पक्ष को यानी कि मसाजिद कमेटी को ये एक मसौदा भेजा कि क्यों ना इस मुद्दे पर आपस में बातचीत की जाए। और ये मसौदा तब भेजा गया है जब कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम समाज को इसके हल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। क्या सचमुच हिंदू पक्ष इस बारे में कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट चाहता है? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विष्णु जैन जी। विष्णु जैन जी हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हैं, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस वक्त वो वाराणसी में है और जो ASI का सर्वे चल रहा है उस पर इनकी निगाहें बनी हुई है। तो स्वागत है विष्णु जी आपका हमारे इस खास इंटरव्यू में। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि क्या कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जैसी चीज है क्या, क्योंकि इस वक्त चर्चा बहुत है कि एक पक्षकार ने ऐसा मुस्लिम पक्ष को मसौदा भेजा है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि लीगल पोजीशन बहुत क्लियर है कि जो इस तरह के मामले होते हैं जहां पे देवता की संपत्ति इन्वॉल्व होती है वहां पे एक इंच का भी समझौता नहीं हो सकता है। समझौता कब होता है, एक जरा अगर इसको इंटेलेक्चुअली देखें, समझौता तब होता है जब कोई आदमी कुछ अपनी जमीन देता है, दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो बैरिकेडिंग के अंदर का पूरा हिस्सा है उसका एक इंच भी जमीन हम देने को तैयार नहीं, और इसके एवज में कोई दूसरी जमीन देने को तैयार नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने के हम पक्ष में हैं, साथ ही साथ इसके आधार पे और ये भी समझौता नहीं करना चाहते हैं कि आगे ऐसी कोई लिटिगेशन नहीं होगी, क्योंकि मैं राम मंदिर के दौरान समझौते की वार्ता में रहा हूं और समझौते के समय यही बात आती है कि ये आप ले लीजिए, आगे किसी और चीज पे क्लेम मत करिएगा, या इसके एवज में हमें कोई जमीन दे दीजिए, या यहाँ पे आधा आप ले लीजिए आधा हम ले लें। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, विष्णु शंकर जैन को, हरिशंकर जैन को, मेरे याचिकर्ताओं को किसी को ये अधिकार नहीं है कि हिंदू समाज की तरफ से वो देवता की संपत्ति का एक इंच भी समझौता करें। और लीगल पोजीशन ये है ऑर्डर 23 रूल 1 में, आप ऐसा सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं जो एक रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है और समाज से जुड़ा हुआ मामला होता है, उसमें आप समझौता लीगली वो पॉसिबल नहीं है। तो ना हम कोई बातचीत के टेबल पे बैठेंगे और ना इस बारे में कोई बातचीत होगी। ये मामला कोर्ट से सॉल्व होगा, कोर्ट से निपटेगा, हमें न्यायालय पे यकीन है, हमने अपनी बात कोर्ट में रखी है हमेशा और आगे भी रखते रहेंगे। लेकिन विष्णु जैन जी, आखिर ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का की चर्चा तो आ गई है ना, आपके ही एक पक्षकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है, मुस्लिम पक्ष को उन्होंने भेजा है, ना कि मुस्लिम पक्ष ने अपने तरफ से कोई पहल की है, तो आखिर इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है, अब इसमें काफी पक्षकार हैं, अगर एक पक्षकार कोई लगता है कि उन्हें बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने भेजा है, उनको अपने राइट्स हैं, दे आर फ्री टू एक्सरसाइज देयर राइट्स, पर हमारे भी तो हक हैं आपके सामने और सबके सामने अपनी बात रखने के। अगर इस केस में 40-50 पक्षकार हैं और पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व है तो मैं अपना पर्सपेक्टिव तो आपके सामने रख ही सकता हूं, और हमारा पर्सपेक्टिव तो एक चीज समझना चाहेंगे कि क्या कोई एक पक्षकार मुस्लिम पक्ष के साथ बैठ करके कोई बातचीत कर सकता है? नहीं कर सकता है, मैं यही बात बता रहा हूं। और जब अगर मान लीजिए, मैं आपको एक लीगल पोजीशन बताना चाहता हूं कि अगर 50 लोग पार्टी हैं फॉर एग्जांपल, और अगर 49 लोग एग्री हो जाते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक आदमी एग्री नहीं करता है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लीगली ऑर्डर 23 रूल 1 के तहत कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और हमारी पार्टीज ना बातचीत के टेबल पे बैठेंगी ना कोई कॉम्प्रोमाइज की बात करेंगी, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। और नहीं, लेकिन क्यों नहीं करना चाहते कॉम्प्रोमाइज, उसका जो एक बैकग्राउंड है वो भी मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन विष्णु जैन जी, ये चर्चा तब निकली जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो इतिहास की गलतियां हुई हैं उसको स्वीकार करना चाहिए और मुस्लिम समाज को इसके पहल की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये उनकी बातों से ये निकला कि इस बात को वार्ता के टेबल पर लाया जा सकता है, मुस्लिम पक्ष को लाना चाहिए। मुख्यमंत्री के तरफ से ये एक तरीके का संकेत है, एक पक्षकार कह रहे हैं कि ठीक है हम बात करते हैं, तो आखिर दूसरे पक्षकारों को इसमें समस्या क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसकी एक करेक्ट पिक्चर देता हूँ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि अगर आप उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। वहां पे त्रिशूल हैं, देव प्रतिमाएं हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, और दिवाले चीख चीख के कह रही हैं कि हिंदू मंदिर का परिसर है। और मुस्लिम पक्ष को जो मानना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और आगे बढ़ना चाहिए। तो वही बात मैं भी कह रहा हूँ। आज समझौता सिर्फ एक पॉइंट पे हो सकता है कि अंजुमन इंतजामिया माने कि उन्होंने एक हिस्टोरिकल गलती की है और इस परिसर को छोड़ दे। अगर वो ऐसा करते हैं तब बातचीत के लिए बैठेंगे, पर मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कवायद है। अंजुमन इंतजामिया जो केस कंडक्ट कर रही है, अगर वो अपना केस विड्रॉ कर लेती और कह देती है कि इसको हम हिंदू पक्षों को दे रहे हैं, तो बात ही खत्म हो जाती है। पर दोबारा कह रहा हूं इस बात को, ना चीफ मिनिस्टर ने बात कही है, ना हमारा ऐसा मानना है कि आप बातचीत की पहल करिए और बातचीत की टेबल में बैठिए और देवता की संपत्ति के साथ कॉम्प्रोमाइज करिए। बैरिकेडिंग के अंदर का जितना परिसर है उसका एक इंच भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ना कोई ऐसी बात चीफ मिनिस्टर ने कही है ना इंडिकेट की है, पहली बात। दूसरी बात, लीगली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है देवता की संपत्ति के साथ और रिप्रेजेंटेटिव सूट में। कॉम्प्रोमाइज तभी होता है जब आप कुछ देते हैं, जब आप कुछ देते हैं। हम यहाँ पे एक इंच भी जमीन नहीं दे सकते हैं, ना इसके एवज में दूसरी जमीन दे सकते हैं, राम मंदिर की तरह कि आइए 5 एकड़ उधर ले लीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं। ना ये कंसेशन दे सकते हैं कि इसके बाद हम और कोई मुकदमा नहीं करेंगे। ये तीनों चीजें नहीं हो सकती और इसीलिए नहीं, इसमें लेकिन कोई ये तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो बड़ा रिजिड स्टैंड हुआ ना, कि किसी तरीके का भाई वार्ता करके हल निकालने में अगर कोई हल निकल सकता है वार्ता से, देखिए तो वार्ता के स्टैंड, टेबल पर आने में क्या बुरा है? ये स्टैंड मेरा है और ये रिजिड स्टैंड है, सॉफ्ट स्टैंड हो, मैं उसको उस नॉमनक्लेचर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हमारे साथ आक्रांताएं हुई हैं, हमारे शिवलिंग के ऊपर वजू किया गया है, आज भी हम लड़ रहे हैं यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कि जो औरंगजेब ने यहाँ पे यातनाएं की हमारे साथ उसको रेस्टोर किया जाए, पर वो कोई बात नहीं सुनना चाहता है। वार्ता किस बात की? एक आदमी जो औरंगजेब के तहत अपना टाइटल क्लेम कर रहा है, औरंगजेब के तहत जो 350 साल तक एक मंदिर को नमाज के रूप में यूज किया गया इस्लाम के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, आज हम उनसे बैठ के वार्ता करें और ये कह दें कि आइए आधा आधा कर लेते हैं, आइए इसके बाद आगे कोई जमीन पे हम बात नहीं करेंगे। भोजशाला में जो वहां पे देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां हैं, जो यज्ञशाला में थूका जा रहा है, उसके ऊपर बातचीत नहीं करेंगे? क्या विष्णु शंकर जैन ये करने के लिए अधिकृत है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सही है, इसको वैलिड करेंगे? क्या ये कोई समाज का आदमी वार्ता कर सकता है? और अगर ये स्टैंड रिजिड है तो विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूं, जी मेरा स्टैंड रिजिड है। तो ये माना जाए कि ये जितनी तरह की बातें इस वक्त निकल करके आई हैं वार्ता की या फिर आपस में बैठने की, इनका कोई मतलब नहीं है। ये बस सिर्फ और सिर्फ बात यूं ही मैं निकाल दी गई आपके कि सामने चले जा रहे बहुत हैं। स्पष्टता से कहना चाहता हूं, मैं और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन और हमारे क्लाइंट्स कॉम्प्रोमाइज की टेबल पे नहीं बैठेंगे, ना इस मुद्दे पे कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है, यातनाएं हुई हैं, हम कोर्ट के माध्यम से उसको वापस लेंगे। और ये सारा लिटिगेशन पूरे देश में चल रहा है, जितनी मंदिरें तोड़ के उसमें मस्जिद बनाई गई हैं, उन सबको रेस्टोर करने की लड़ाई, और उसका एक काम हम कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे, आप ही के हिंदू पक्ष के लोग, चूंकि उन लोगों ने ही इस मुद्दे को उठाया, तो क्या ये माना जाए कि हिंदू पक्ष के भीतर आपस में ही एक टूट है, आपस में ही कहीं ना कहीं एक विवाद है? क्योंकि एक 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 जो उसके वादी है वो कहते हैं कि हम करेंगे बात, बाकी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल, मेरा स्टैंड साफ है कि हम नहीं करेंगे। तो आप लोगों के भीतर भी कोई विवाद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं होती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं जिन पक्षकारों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उन पक्षकारों का ये स्टैंड है। भाई एक आदमी ने ये कहा कि शिवलिंग की जांच होनी चाहिए जो वजू टैंक में मिला है, दूसरे पक्षकार ने कहा नहीं होनी चाहिए। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला गलत था, जांच होनी चाहिए। एएसआई की मांग हमने की, हमने कहा कि एएसआई जांच होनी चाहिए पूरे परिसर की, वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते, हाई कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट से जीते। तो हम अपनी बात अपने स्टैंड से कोर्ट में रख रहे हैं।
और आपके सामने भी जो कोर्ट और लीगल पर्सपेक्टिव है इसके, जो ऑन रिकॉर्ड बातें वही रख रहा हूं मैं आपसे। बहुत शुक्रिया विष्णु जैन जी हमसे बात करने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव साफ करने के लिए। तो हमारे साथ विष्णु जैन थे और उन्होंने साफ कह दिया कि किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज ज्ञानवापी या फिर दूसरे मुद्दों पर नहीं होने वाला है। यानी कि ये जो बात इस वक्त चल रही है कि किसी भी तरह की बातचीत हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में ज्ञानवापी पर होगी, इस पर पूरी तरीके से विराम लग गया है।